आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देश में इन दिनों एक मुद्दा बड़े जोरों शोरों से शोर मचा रहा है, मुद्दा पेगासस जासूसी का। अब आप सोच रहे होंगे जासूसी तो चुपचाप से बिना किसी आहट से की जाती है, अब ये जासूसी का मुद्दा इतना शोर क्यों मचा रहा है? तो आपको बता दें, दरअसल शोर ये जासूसी का मुद्दा नहीं बल्कि विपक्ष मचा रहा है। जी हाँ, हाल ही के दिनों में शुरू हुए मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष हर रोज इस मुद्दे को लेकर संसद में हंगामा काट रहा है। कभी कोई कुछ बयान देता है तो कभी कोई कुछ बयान देता है, हालांकि किसी को खुद नहीं पता कि वो किस लिए क्या बयान देते हैं। विपक्ष को कुछ चाहिए तो बस सरकार को घेरने की वजह। हम ये नहीं बोल रहे कि सरकार निर्दोष है, पर बिना किसी सबूत के हम ये भी नहीं बोल रहे कि सरकार दोषी है। हम बस आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पेगासस क्या है, ये पेगासस जासूसी मुद्दा क्या है। एक प्रमुख मीडिया जांच में दुनिया भर की सरकारों द्वारा एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं, जिसने दुनिया ही नहीं भारत में भी तहलका मचा दिया है। इसमें प्रमुख व्यक्तियों पर जासूसी करने के भी आरोप शामिल हैं। करीब 50,000 फोन नंबरों की जांच में पाया गया कि 50 देशों के 1,000 से ज्यादा लोगों की कथित रूप से पेगासस, ये शब्द वही है जो पिछले एक सप्ताह से आप सभी सुन रहे हैं। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए निगरानी की जा रही है। सॉफ्टवेयर इजरायली कंपनी NSO ग्रुप ने तैयार किया था और विभिन्न सरकारों को बेचा। जिन लोगों की निगरानी की जा रही थी उनमें जाने माने पत्रकार, राजनेता, सरकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मानव अधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं। पेगासस स्पाईवेयर पीड़ितों के फोन को कैसे संक्रमित करता है इसे समझना कठिन नहीं है। सबसे पहले हैक में एक तैयार किया गया SMS या आई मैसेज शामिल है जो एक वेबसाइट का लिंक देता है। इस लिंक पर क्लिक करते ही ये सॉफ्टवेयर डिवाइस पर नियंत्रण कर लेता है। ये सॉफ्टवेयर या तो रूटिंग या जेल ब्रेकिंग द्वारा मोबाइल उपकरण के ऑपरेटिंग सिस्टम पर पूरी तरह कब्जा हासिल कर लेता है। रूटिंग और जेल ब्रेकिंग दोनों ही एंड्रॉइड या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में एम्बेडेड सुरक्षा नियंत्रण को हटा देते हैं और इस तरह एक अनजान हमलावर का फोन पर पूरी तरह नियंत्रण हो जाता है। पेगासस पर ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स एप्पल उपकरणों पर नियंत्रण हासिल करने से संबंधित है, यानी कि iOS। स्पाईवेयर एंड्रॉइड उपकरणों को भी संक्रमित करता है, लेकिन यह उतना प्रभावी नहीं है। एप्पल उपकरणों को आमतौर पर उनके एंड्रॉइड समकक्षों की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता है, लेकिन कोई भी उपकरण 100% सुरक्षित नहीं होता। एप्पल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड के साथ ही एप स्टोर के माध्यम से डाउनलोड किए जाने वाले ऐप पर भारी नियंत्रण रखता है। अपडेट पर भी एप्पल का पूरी तरह नियंत्रण रहता है। दूसरी ओर एंड्रॉइड उपकरण ओपन सोर्स अवधारणाओं पर आधारित होते हैं, इसलिए हार्डवेयर निर्माता अतिरिक्त सुविधाओं को जोड़ने या डिस्प्ले को अनुकूलित कर सकते हैं। कुल मिलाकर दोनों ही मंच हमले का शिकार हो सकते हैं। हालांकि इसके लिए अधिक समय, प्रयास और धन निवेश करने की जरूरत होती है। इस बात की गुंजाइश कम ही है कि पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति की निगरानी के लिए किया गया हो जो सार्वजनिक रूप से महत्वपूर्ण या राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है। किसी भी स्पाईवेयर की एक खासियत होती है कि उपकरण पर गुप्त रहे, यानी किसी को आसानी से उसके बारे में पता ना चले। ऐसे में किसी स्पाईवेयर हमले के बारे में पता करने का एक तरीका है। इसके लिए आमतौर पर एमनेस्टी इंटरनेशनल मोबाइल वेरिफिकेशन टूल किट MVT का इस्तेमाल किया जाता है। ये टूल लिनक्स या macOS के तहत चल सकता है और फोन से लिए गए बैकअप का विश्लेषण करके आपके मोबाइल डिवाइस की फाइलों और कॉन्फ़िगरेशन की जांच कर सकता है। हालांकि इस विश्लेषण से उपकरणों में छेड़छाड़ की पुष्टि या खंडन नहीं होता और इससे सिर्फ कुछ संकेत मिलते हैं जो संक्रमण का प्रमाण दे सकते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए इस प्रकार के हमले की आशंका नहीं है, फिर भी आप अपने संभावित जोखिम को कम करने के लिए कुछ आसान कदम उठा सकते हैं।
अपने उपकरण का इस्तेमाल करते वक्त सिर्फ ज्ञात और भरोसेमंद संपर्कों और स्रोतों से ही लिंक खोलें। सुनिश्चित करें कि आपका उपकरण किसी भरोसेमंद पैच और अपग्रेड के साथ अपडेट हो। अगर आप एंड्रॉइड का इस्तेमाल करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के नए संस्करणों के लिए नोटिफिकेशन पर निर्भर ना रहें। नवीनतम संस्करण की स्वयं जांच करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके उपकरण निर्माता ने अपडेट जारी ही ना किए हों। अपने फोन को लोगों की पहुंच से दूर रखें। उपकरण पर पिन, फिंगर या फेस लॉकिंग को समक्ष करके आप ऐसा कर सकते हैं। सार्वजनिक और मुफ्त वाईफाई सेवाओं से बचें, खासकर यदि आपकी पहुंच संवेदनशील जानकारी तक हो। वहीं जब आपको ऐसे नेटवर्क का इस्तेमाल करना जरूरी हो तो वीपीएन का उपयोग एक अच्छा समाधान है। अपने डिवाइस डेटा को एनक्रिप्ट करें और यदि उपलब्ध हो तो रिमोट वाई फीचर को भी समक्ष करें। ऐसे में अगर आपका उपकरण खो जाता है या चोरी हो जाता है तो आपका डाटा सुरक्षित रह सकता है। अब जरा आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि भारत में पेगासस किस तरह से तहलका मचा रहा है। दरअसल भारत में पेगासस पिछले कुछ दिनों में खबरों में है। दरअसल हाल ही में ये खुलासा हुआ है कि पेगासस का इस्तेमाल कई देशों की सरकार जासूसी करने के लिए कर रही है। इस इन्वेस्टिगेशन में भारत का भी नाम आया है। खुलासा ये भी हुआ है कि भारत के कई पत्रकार, एक्टिविस्ट और विपक्ष के नेताओं की जासूसी पेगासस से की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 180 से ज्यादा पत्रकारों की जासूसी की जा रही थी। दरअसल पेगासस मामले का खुलासा करने में कई इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। इसमें फोरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी नाम के ऑर्गेनाइजेशन मुख्य रूप से शामिल हैं। कैसे हुई ये पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग? कैसे दुनिया को ये पता चला? पेगासस जैसे टूल प्राइवेसी पर कितना गहरा असर डाल रहे हैं, आइए जानते हैं। पेगासस ग्लोबल जासूसी की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में दुनिया भर के 80 पत्रकारों ने हिस्सा लिया। लगभग 10 देशों के पत्रकारों ने मिलकर इसकी जांच की और इसमें 17 मीडिया ग्रुप शामिल हैं। फोरबिडन स्टोरीज के मुताबिक इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत 50,000 फोन नंबर्स के रिकॉर्ड के साथ हुई। इसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और फोरबिडन स्टोरीज ने मिलकर एक्सेस किया। इसके बाद फोरबिडन स्टोरीज के 2 पत्रकारों ने दुनिया भर के कई मीडिया हाउस से संपर्क करके उन्हें अपने साथ लाया। सभी लोग कोरोना वायरस महामारी के दौरान पेरिस में मिले। तब तक पेगासस ग्लोबल जासूसी की कम ही जानकारी उन्हें पता थी। मिलने के बाद पेगासस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। महीनों तक सभी पत्रकारों ने एक दूसरे से सिक्योर कम्युनिकेशन किया। 10 देशों में इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोग थे। इनमें भारत, फ्रांस, बेल्जियम, मैक्सिको, लिबनन, अमेरिका और ब्रिटेन शामिल हैं। ग्राउंड पर जितने भी पत्रकार थे सभी एक दूसरे से सिक्योर कम्युनिकेशन करते थे। पेरिस से फॉरबिडन स्टोरीज की टीम ने पेगासस पर लीड हासिल किया और अपने साथी पत्रकारों के जरिए मैक्सिको, दुबई, सऊदी अरब और भारत से लीड इकट्ठा किया। पेगासस प्रोजेक्ट के पत्रकारों ने पाया कि उनके कई साथी पत्रकार सरकार द्वारा की जा रही इस जासूसी का टारगेट है, यानी उन पर जासूसी की जा रही है। फॉरबिडन स्टोरीज के मुताबिक 20 देशों के 180 से ज्यादा पत्रकारों को संभावित टारगेट के तौर पर हाईलाइट किया गया। एमनेस्टी टेक ने इसमें से कुछ पत्रकारों का फोरेंसिक किया और पाया कि उनकी निगरानी पेगासस के जरिए की जा रही थी। पेगासस प्रोजेक्ट के रिएक्शन के तौर पर कई बड़े बदलाव देखे गए। उदाहरण के तौर पर इसराइल की कंपनी एनएसए ग्रुप, जिसने पेगासस बनाया, ये कंपनी अमेजोन का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करती थी। अमेजोन ने रिएक्शन के तौर पर एनएसए ग्रुप को दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर शट डाउन कर दिया। इसके बाद मोरक्को की तरफ से फॉरबिडन स्टोरीज पर मानहानि का मुकदमा भी किया गया। अब धीरे धीरे कई देशों में इस जासूसी की जांच करने की मांग उठ रही है। उधर व्हाट्सएप हेड ने इसे प्राइवेसी पर बड़ा हमला बताया, क्योंकि पेगासस व्हाट्सएप भी हैक कर सकता है। इतना ही नहीं, इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में ये भी सामने आया कि एप्पल के आईफोन भी पेगासस से सुरक्षित नहीं है। इस जांच से पहले ये क्लियर नहीं था कि स्पाइवेयर किस किस तरह के फोन और दूसरे सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन अब साफ है कि ये पेगासस कितना खतरनाक है और इसके संभावित खतरे क्या क्या है। तो ये था पेगासस के बारे में कि आखिर पेगासस क्या है, किस तरह से दुनिया भर में इसका प्रभाव है, किस तरह से ये लगातार जासूसी करता है। अब आगे आपको बताएंगे कि कैसे भारत में ये मुद्दा राजनीतिक बन गया है,
संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से कई अध्यादेश ऐसे हैं जो पटल पर उतारे नहीं जा रहे हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट के बाद आगे आपको सब कुछ बताएंगे कि आज संसद में आखिर किस तरह का पूरा बवाल हुआ और विपक्ष ने किस तरह से पूरा ड्रामा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। देश में विपक्ष के नेताओं, अफसरों, जजों, पत्रकारों और एक्टिविटीज की जासूसी के खिलाफ विपक्षी दल संसद में सरकार को लगातार घेरे हैं। बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर संसद के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जासूसी के लिए पेगासस का इस्तेमाल भारत के साथ देशद्रोह है। हिंदुस्तान का पूरा विपक्ष यहाँ खड़ा हुआ है, हर पार्टी के नेता यहाँ हैं। हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा? क्योंकि हमारी आवाज को संसद में दबाया जा रहा है, राहुल गांधी ने कहा। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार को उपयोग किया, हाँ या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। सरकार ने कहा है कि संसद में पेगासस पर कोई बात नहीं होगी। साफ तौर पर सरकार ने कुछ गलत किया है, सरकार ने कुछ ऐसा किया है जो देश के लिए खतरनाक है, वरना वह कहते हैं कि आइए और चर्चा कीजिए। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम संसद की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहे। आपको विपक्ष के सभी नेता यहां बताएंगे कि हमारी सरकार क्या मांगे हैं, हमारी सरकार से क्या मांगे हैं। जिस हथियार को आतंकवादियों और देशद्रोही के खिलाफ उपयोग किया जाना चाहिए, उसका उपयोग नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय संस्थाओं और लोकतंत्र के खिलाफ क्यों किया? हम संसद में सिर्फ इस मुद्दे पर ही बात करना चाहते हैं। यदि हमने अभी ये कह दिया कि अभी पेगासस पर बात नहीं करेंगे, तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। ये हमारे लिए राष्ट्रवाद का मामला है, ये एंटी नेशनल काम है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, देश की आत्मा को चोट पहुंचाई है आपने। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने इसका इस्तेमाल किया और सरकार ने किस किस पर इसका इस्तेमाल किया। राहुल गांधी यही नहीं रुके, राहुल गांधी ने कहा कि हम पेगासस पर चर्चा चाहते हैं, सरकार पेगासस पर चर्चा करने से मना कर रही है। राहुल ने सवाल उठाया, मैं देश के युवाओं से जानना चाहता हूं कि आपके मोबाइल पर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, प्रेस के लोगों के खिलाफ, कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस हथियार का इस्तेमाल हुआ, तो फिर क्या कारण है कि सदन में इस पर बात नहीं हो रही? सदन के बाहर एक जैसी विचारधारा वाले 14 विपक्षी दलों ने एक अहम मीटिंग की और सरकार को घेरने की योजना बनाई। मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस जासूसी केस, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अब ऐसे में बीजेपी कहां पीछे हटने वाली थी? संबित पात्रा मैदान में कूद पड़े। संबित ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सहित विपक्ष के तमाम नेता सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे। जनता सदन में कोरोना पर चर्चा चाहती है, लेकिन विपक्ष ये होने नहीं दे रहा। राहुल कह रहे हैं कि उनके फोन में हथियार है, उन्हें पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। क्या कारण है कि वो फोन की फॉरेंसिक जांच नहीं करा रहे? उनके मोबाइल में ऐसा क्या है जो वो जांच करने से डर रहे हैं? यदि हमारे आपके फोन में हथियार होगा तो क्या हम घर पर बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। पेगासस का मामला है, वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है, ट्रीजन का मामला है। क्योंकि ये जो हथियार है, ये लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। ये प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए ये एंटी नेशनल काम है। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है, इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन चाहते हैं। और इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, ठीक है? आप, मैं जानता हूं आप किसके लिए काम करते हो, आपको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। जनता जानती है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर आक्रमण हुआ है, बिल में तीर मारा गया है। हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, पहला सवाल क्या ये सरकार ने किया, हाँ या ना? और दूसरा हम डिस्कस करना चाहते हैं इस तीर ने तीर कहां कहां लगा, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना?
हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, हमें क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूं, हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है, इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया, हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने क्या किया है जो आपने इस हथियार को लोकतंत्र के खिलाफ यूज किया है, यह सवाल है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके फोन में हथियार डाल दिया गया है, कि हमारे फोन में हथियार डाल दिया गया है। राहुल जी, हथियार डाल दिया गया है आपके फोन में तो आप इतने दिन तक बैठे क्यों हुए? आपको पता है आपके फोन के अंदर हथियार है? आप हथियार निकालने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट गए? आप पुलिस थाने में जाके हथियार निकालने के लिए FIR किया आपने? आप बताइए, आपको अगर हम में से किसी को पता चल जाए कि हमारे फोन के अंदर हथियार है तो हम हाथ पैर धर के घर में बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। हम जाके हथियार निकाले? कोई हथियार नहीं है। जो चीज है नहीं उसका हथियार बना करके पार्लियामेंट को रोकना, एक नॉन एग्जिस्टेंट इशू को इशू बना करके किस प्रकार वो हथियार के रूप में काम करे ताकि ये लोग पार्लियामेंट से नदारत रहे, ताकि असली मुद्दों पर चर्चा ना हो, ताकि पार्लियामेंट स्टॉल हो जाए, यही इनका हथियार है। आज भी इस मंच से मैं कहना चाहूंगा, राहुल जी आपके फोन में हथियार है तो तुरंत फोन को जाके पार्लियामेंट के थाना में आप सरेंडर करिए, हथियार निकलवाइए, हथियार रख के फोन में मत चलिए, ये अच्छी बात नहीं है। राहुल जी, आपने कहा कि हम पार्लियामेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं और पेगासस पे सरकार को चाहिए कि बिल्कुल उत्तर दे दे और हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर रहे हैं पार्लियामेंट। राहुल जी, पेगासस पर ही IT मंत्री अश्विनी वैष्णव जी पार्लियामेंट में उत्तर दे रहे थे, लिखित उत्तर दे रहे थे, जो लिखा हुआ है उससे पढ़कर उत्तर दे रहे थे, आपके सभी प्रश्नों के, आपके सभी संशयों का उत्तर दिया जा रहा था। मगर आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने कागज को आदरणीय मंत्री जी के हाथ से छीन करके फाड़ दिया, उसे हवा में उड़ा दिया, उसे फेंक दिया। ये जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी नहीं है, ये गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है और ये लोकतंत्र की मर्यादाओं का छलनी उड़ाना है, ये लोकतंत्र की मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ करना है। हम पार्लियामेंट में उत्तर दे रहे हैं, मंत्री खड़े हैं, उत्तर पढ़ रहे हैं, हाथ में से कागज छीन के फाड़ देगा? राहुल जी, मेनी लीडर्स इन द ऑपोजिशन हैव लर्न द सेम गिमिक्स दैट यू यूज टू फॉलो इन योर पार्टी। वी वर रिमाइंडेड दैट डे द वे यू हैड टोर्न द ऑर्डिनेंस ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, द देन प्राइम मिनिस्टर। उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऑर्डिनेंस को आपने जिस प्रकार फाड़ करके कागज को उड़ाया था ना, ठीक उसी प्रकार आपसे सीखकर आज कुछ आपके अनुयायी मंत्रियों के कागजों को संविधान के सबसे बड़े मंदिर के पटल पर फाड़ कर फेंक रहे हैं। ये जिम्मेदारी नहीं है, दिस इज इररेस्पॉन्सिबिलिटी। बट बाय द वे, राहुल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नेवर ट्रेवल टूगेदर। राहुल मीन्स इररेस्पॉन्सिबिलिटी, राहुल का अर्थ ही इररेस्पॉन्सिबिलिटी। वहीं विपक्ष की बैठक में कांग्रेस, द्रविड़ मुद्रेक, कडगम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय समाज पार्टी, केरल कांग्रेस, विथुलाई चेरुथेलगल, कच्ची और SS पार्टी के नेता शामिल थे। यानी कि यह कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले पर पूरा विपक्षी दल एकजुट हो चुका है।
लेकिन इस पूरे विवाद पर क्या संसद में इस तरह के हंगामे होने चाहिए जिस तरह के हंगामे रोजाना हो रहे हैं? आज पर्चे फाड़े जा रहे हैं, पर्चे फेंके जा रहे हैं, इसके साथ साथ संसद के बाहर हंगामा हो रहा है, सड़कों पर हंगामा हो रहा है। क्या विपक्ष को यह नहीं चाहिए कि सरकार से लिखित में तसल्ली के साथ जवाब मांगे और उनके जवाब का इंतजार करे? लेकिन विपक्ष को तो सिर्फ बहाना चाहिए सरकार को घेरने का। देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं और अब भी कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि सरकार गलत नहीं है, लेकिन ये कह दें कि सरकार गलत है ये भी सही साबित होता हुआ नजर नहीं आता है। तो इस मुद्दे पर विपक्ष तो लगातार सरकार को घेर रहा है, सरकार की तरफ से बार बार राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा आते हैं और तमाम बयानों का जवाब देते हैं, लेकिन इस पूरे मसले पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में जनता को उम्मीद है कि सरकार आए और विपक्ष को अपने बयान से चुप कराए, सफाई दे कि आखिर देश में ये क्या चल रहा है। मॉनसून सत्र का इंतजार एक साल से हो रहा था और इस मॉनसून सत्र में उम्मीद जताई जा रही थी कि तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। कई अध्यादेश ऐसे हैं जो पटल पर रखने हैं, जिस पर राज्यसभा लोकसभा से मंजूरी करवानी है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। जो खास मुद्दे हैं उनसे विपक्ष सरकार को कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। लेकिन देश के लोकतंत्र के लिए ये कितना सही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर लौटेंगे भारत 9 में खास मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।